मैं इस समय मौजूद हूँ पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में और आपको बता दूं कि आज जो है रेलवे स्टेशन परिसर में राहगीरों के लिए जो है यहाँ पे मड़वाड़ी महिला समिति की ओर से भोजन का व्यवस्था किया गया है। क्या कुछ के अवसर पर व्यवस्था की गई है हम जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारे पास है महिला समिति के अध्यक्ष हैं और सदस्य है, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। अब तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे राहगीर जो है कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और भोजन जो है कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं ये भोजन में जो है एक पूड़ी सब्जी के अलावे जो है मिठाई की व्यवस्था है, सारे चीज़ जो है दे रहे हैं। क्या कुछ चीज़ों को लेकर के जो है ये लोग आज किए हैं जानने का प्रयास करेंगे। जी ये बताइए कि आज जो है आप लोग इस तरह से व्यवस्था किए हैं राहगीरों के लिए, किस उपलक्ष्य पे ये जो है कर रहे हैं और आगे भी कई कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, तो समाज को एक क्या संदेश भी देना चाहते हैं और आज का जो खासकर कार्यक्रम है ये किस उपलक्ष्य में किया गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितर यानी हमारे पूर्वज एक मैसेज देके गए हैं। पहले ज़माने में सभी जानते हैं कि सत्कर्म करते थे, तो उन्होंने हमें एक मैसेज दिया कि सत्कर्म करो। तो उसका सत्कर्म की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाने के तहत हम लोग चाह रहे थे कि सभी भाई बहनों को जो असहाय है, जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उन सभी को भोजन करवाएं। इसके तहत हमने अभी भोजन की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ हमारी संस्था ने पर्यावरण के तहत बहुत सारे वृक्षारोपण किए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जीवन में कर्म तो हम लोग कर ही रहे थे, आज तक महिलाएं घर में ही थी, लेकिन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से हम लोग आगे आए हैं। हम चाहते हैं घर से निकल के बाहर सेवा करें। जीवन केवल चार व्यक्ति के बीच का ही तो नहीं है, सारे समाज के मिलने से ही तो जीवन बनता है। तो हम लोग चाहते हैं कि समाज का हर एक व्यक्ति आगे आए, समाज के हर एक व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत की पूरा किया जाए और सब मिल के सहयोग करें। सबके माध्यम से ही हम लोग साथ रह के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो सबका साथ सबका विकास हमारा यही मंत्र है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो सुदूरवर्ती इलाका में गांव में भी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, अभी भी वो लोग इस चीज़ से शायद जागरूकता नहीं है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश तो एक ही दिया जाता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप शिक्षित होइए, अपने भी देखिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं है। इसके तहत हम लोग बुजुर्ग शिक्षा को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, इसलिए पढ़ाई कम से कम शिक्षा, अगर आप शिक्षित हो रहे हैं ना तो ये आपको पता है कि जीवन में आप अपना जीवन को आगे बहुत अच्छा से चला सकते हैं। आपने जो किया ही अपने परिवार में, अब जो भी व्यक्ति है सबको शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से देश विकसित हो सकता है और आप विकसित हो सकते हैं। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए मेरा पहला कहना एक ही है कि सभी बहनें सभी परिवार शिक्षित जरूर। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा, हमारे साथ जो है समिति की जो अध्यक्ष है उनसे भी जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम ये लोग हमेशा करते आ रहे हैं, गरीबों के बीच अंग दान करते हैं, साथ ही साथ कई कार्यक्रम चलाते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम के तहत आज आप लोग कर रहे हैं और आगे भी लगातार आप लोग इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, क्या उद्देश्य है आप लोग? हम लोगों का उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैलाना, हर व्यक्ति को जरूरत की सामान मुहैया करवाना। जैसे पितृपक्ष में हम लोग घर में तो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, किंतु गरीबों को नहीं मिल पाती है, ये पूड़ी सब्जी जलेबी ये लोग तरसते रह जाते हैं, इसलिए हम लोग खुद सिर्फ न खाएं, सभी को खिलाकर खाएं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे 300 लोगों को भोजन करवा रहे हैं और वस्त्र भी दान कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाए हैं और अंग दान के तहत हम लोग 200 थैलों का वितरण किए हैं। जागरूकता फैला रहे हैं कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये देह दान, मन भगवान ने जो मनुष्य को शरीर दिया है उसका जीते जी तो उपयोग करना ही है, मरणोपरांत भी उसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए हम लोग मरणोपरांत भी शरीर का जो भी पार्ट्स हमारा यूज में आ सकता है वो जरूर दान करना चाहिए। इसके लिए हम लोग समिति की तरफ से जागरूकता फैला रहे हैं और आगे भी हम लोग रेलवे स्टेशन में यहाँ पे खिचड़ी का वितरण किए थे, बहुत अच्छा रहा, सबको अच्छा लगा, और आगे भी हम लोग समिति की तरफ से महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, प्रौढ़ शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शिक्षा, हर चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितना खुशियाँ मिलती है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो हम लोग घूंघट माथे पे लेके घर में रहते थे और अभी 4 साल हुआ है हमारी समिति को
बनाए हम लोगों को, और जब से समिति बनी है सभी बहनें बहुत खुश हैं। बाहर से भी जमशेदपुर से हमारी प्रदेश अध्यक्ष आई थी, रांची में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी की सहमति से सभी के सुझाव से हम लोग ये सभी कार्य कर पाते हैं और आगे भी हम लोग बहुत सारा कार्य करेंगे। हम लोगों को लग रहा जैसे हमारा मनुष्य जन्म सफल हो रहा है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग यहाँ पे जो गरीब है, जो राहगीर है, उनके लिए ये सेवा दे रहा है, साथ ही साथ मनुष्य भर नहीं बहुत सारे ऐसा जो है आप सेवा करने योग्य हैं, कर सकते हैं। सेवा करने से जो कहीं ना कहीं इन्हें आनंद मिलती है, खुशी मिलती है, और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, और हम लोग वही मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर जो सुदूरवर्ती इलाका में जो लोग कहीं ना कहीं से दूर है उन तक इस मैसेज पहुँचे। संजय सिंह, न्यूज़ 22 स्कोप, पाकुड़। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।